सो है गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग एक नई चीज स्टार्ट करने वाले हैं। ये एक जो प्रॉपर चैप्टर चल रहे थे उससे अलग है। इसमें क्या है कि एक कमेंट आया था, उसमें कहा था कि नेबुला के ऊपर एक पूरा वीडियो बना दीजिए। तो मैंने सोचा कि एक नई सीरीज स्टार्ट करते हैं जिसका नाम सपोर्टर शो रखा है। आज उसका वीडियो नंबर 1 है। इसमें आप जो लोग कमेंट करोगे, आज जो कोई टॉपिक के बारे में पूछोगे कि इस टॉपिक पर वीडियो बना दीजिए, तो उस टॉपिक को मैं एक उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा। और कुछ क्वेश्चंस आएंगे तो 4-5 क्वेश्चंस एक बार में ले लूँगा और उसको एक ही वीडियो में दिखा दूँगा, समझा दूँगा अच्छे से। और उन सभी वीडियोस को जो कमेंट्स से मैं उठाऊँगा टॉपिक्स, उनको मैं सपोर्टर्स शो नाम के इस सीरीज़ में, इस प्लेलिस्ट में रखूँगा, ठीक है। तो आज उसका पहला वीडियो है, इसमें मैंने पूरा कम्प्लीट नेबुला समझाया हुआ है और बहुत आसान से समझाया है। और मैं एक बार बता दूँ, मैंने इसमें हर जगह टेक्स्ट ऐड कर रखा है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। टेक्स्ट आपको पढ़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। अगर क्योंकि ऐसा है कि नेबुला बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत बड़ा है, मतलब मैं तो बेसिक से इंटरमीडिएट लेवल आपको इसमें बता दूंगा, बाकी तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इसमें क्या है कि मैंने टेक्स्ट ऐड कर रखा है और टेक्स्ट मैंने अपने रेफरेंस के लिए ऐड करा है, आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको केवल फोटोज़ देखनी है जहाँ जहाँ मैं समझाता जाऊँगा, और सुनना है मेरी बात को अच्छे से, आप सब समझ जाएंगे, पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं नेबुला होता क्या है। तो ऐसे कि काफी सारा टेक्स्ट आ गया, मैं बताता जाऊंगा। नेबुला कुछ नहीं होता, एक क्लाउड होता है डस्ट का। उसके डस्ट का क्लाउड होता है, हाइड्रोजन होती है और हीलियम होती है। मेनली यही 3-4 चीज़ें होती हैं, और कुछ छोटे अमाउंट में, कुछ स्मॉल अमाउंट में अदर गैसेस भी होती हैं, आयोनाइज्ड होती हैं। आयोनाइज्ड क्यों होती हैं इसके बारे में बाद में डिस्कशन करेंगे। जो क्लाउड होता है डस्ट का, इस क्लाउड को हम लोग इंटरस्टेलर क्लाउड कहते हैं। अभी इंटरस्टेलर वर्ड का मीनिंग क्या है इसको मैं बाद में बताऊँगा, अच्छे से पूरा बताऊँगा, कोई चिंता वाली बात नहीं है, ठीक है। अभी नेबुला वर्ड आया कहाँ से था? तो शुरुआत में क्या हुआ था कि जब टेलीस्कोप नहीं होते थे, तब जो उस समय के एस्ट्रोनॉमर्स थे, उन्होंने केवल आसमान में देख के कई सालों तक एनालाइज किया था, जैसे मोशन किसी का एनालाइज करना है। तो उन्होंने देखा कि कोई ऑब्जेक्ट है वो हर रात को पूरा ऐसे आता है, इसी प्लेस पे आता है, आगे जाता है, नॉर्थ को जाता है, फिर आता है, फिर साउथ से निकलता है, नॉर्थ को जाता है, ऐसा कुछ मान लीजिए मोशन चल रहा है। तो सालों तक आई एनालाइज करके उन्होंने देखा, क्योंकि उस समय कोई टेलीस्कोप वगैरह नहीं होते थे। तो उस समय कुछ अलग ऑब्जेक्ट्स देखे जो उनको समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या है। तो जितने भी इस तरह के अनयूजुअल आप कह सकते हो उस टाइम पे ऑब्जेक्ट्स थे, उन्हें नेबुला नाम दे दिया गया था, ठीक है। अभी एक नेबुला का टाइप आएगा, आपको वहाँ पर अच्छे से समझ में आएगा कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्या है इसमें। अब नेबुला का साइज़ काफ़ी वेरी कर सकता है, हंड्रेड्स ऑफ लाइट ईयर्स लंबा भी हो सकता है, इतना बड़ा नेबुला भी हो सकता है, और अपने साइज़ अर्थ के साइज़ के बराबर और कुछ केजी मास के बराबर भी इतना छोटा नेबुला भी हो सकता है। क्योंकि नेबुला क्या है, एट द एंड नेबुला डस्ट है, पार्टिकल डस्ट, क्लाउड ऑफ डस्ट है, हाइड्रोजन और हीलियम गैसेस ही है, मतलब कि इनका वेट इतना नहीं होता है, हल्की गैसेस होती है। तो यहाँ पर जब तक उसके अंदर कोई मैसिव ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, जैसे कि नेबुला के अंदर स्टार भी होते हैं, जब ये सब होते हैं तब मास बहुत ज़्यादा हो जाता है, सीधी सी बात है। लेकिन अर्थ के शेप का नेबुला, इतने छोटे छोटे नेबुला जो होते हैं, इनका कोई ज़्यादा मास नहीं होता है, क्योंकि इनके अंदर कोई भारी ऑब्जेक्ट नहीं होता है। ये फोटो मैंने डाल रखी है, ओरियन नेबुला की फोटो है, वही तो बस इंट्रो में डाल रखी थी मैंने ऐसे ही, अभी आके पता चलेगा कि क्या चीज़ है, क्या टाइप क्या है इस नेबुला का। इस नेबुला बर्थ प्लेस ऑफ स्टार्स, अब ये बहुत ही जनरल सा क्वेश्चन है कि हम लोग को शुरुआत से यही लगता आ रहा है कि नेबुला में स्टार्स का जन्म होता है और ब्लैक होल में जाके स्टार खत्म हो जाता है, या स्टार फट जाता है, सुपरनोवा रिएक्शन होती है, स्टार खत्म हो जाता है, इस तरह की चीज़ें हम लोग को पता है। ये पूरी तरह से सही नहीं है, कुछ हद तक सही भी है, क्योंकि नेबुला का एक पार्ट होता है जहाँ पर स्टार्स बनते हैं, कुछ टाइप होते हैं नेबुला के। ऐसा नहीं है कि हर एक नेबुला में, मतलब हर जगह स्टार ही बनने और कुछ नहीं होता है, नहीं। नेबुला क्या चीज़ है, केवल डस्ट है, डस्ट पार्टिकल के क्लाउड्स को कहते हैं, और हीलियम हाइड्रोजन गैसेज होती हैं वहाँ पर, और कुछ नहीं होता। अब वो बात अलग है कि वहाँ पर ग्रेविटी लगती है, यहाँ पर मैंने बता रखा है, स्टार बनते हैं वहाँ पर। स्टार कैसे बनते हैं कि जब वहाँ पर कुछ ऑब्जेक्ट्स के बीच में, कुछ पार्टिकल्स के बीच में, गैस के पार्टिकल्स के बीच में ग्रेविटेशन फोर्स लगती है, स्टार्स जो होते हैं वहाँ से बनते हैं। ग्रेविटी की फोर्स लगी, सारे ऑब्जेक्ट्स पास पास आते हैं,
ग्रेविटी फोर्स लग रही है, यानी कि जो पार्टिकल्स हैं वो एस्केलेटेड मोशन में है। एस्केलेटेड मोशन में यानी कि उनकी वेलोसिटी लगातार बढ़ रही है, जो बहुत दूर से बहुत अंदर तक तो ऑब्जेक्ट्स जो आ रहे हैं, पास आ रहे हैं, तो ऐसा जो पास आ रहे हैं ऑब्जेक्ट्स, तो उनकी स्पीड बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो स्पीड ज़्यादा है तो एनर्जी इमिट करते हैं वो, एनर्जी जब इमिट करते हैं तो वही रेडिएशन के फॉर्म में इमिट होती है जब स्टार का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। वहाँ से कुछ ब्लास्ट वगैरह धमाका आप समझ सकते होता है जिससे स्टार बनता है, और जो पार्टिकल्स टूट के बिखर जाते हैं उसमें जो बड़े पार्टिकल्स होते हैं वो प्लैनेट्स बनते हैं, जो छोटे छोटे पत्थर होते हैं वो एस्ट्रॉयड कॉमेट्स वगैरह ये सब बन जाते हैं, जो अपर अदर प्लैनेट्स जो ऑब्जेक्ट्स यही सब हैं। फोटोज अलग ही हैं, ये पिलर्स ऑफ क्रिएशन है, ये एक पार्ट है ईगल नेबुला का, यहाँ लिखा हुआ ईगल नेबुला, यहाँ पर स्टार्स बनते हैं, ये एक पार्ट है, ठीक है, ईगल नेबुला का। यहाँ पर एक और ट्राइंगुलर नेबुला है, ये मैंने बस इतना दिखाने के लिए रखा है कि नेबुला बिल्कुल एक फेंट ऑब्जेक्ट होता है, मैंने पीछे लिखा हुआ था, बताया नहीं आपको, नेबुला जो होता है बिल्कुल फेंट होता है, ठीक है, लाइक दे आर वेरी वेरी फेंट, मोर देन द रेन ऑफ क्लाउड्स, ठीक है, जो बहुत फेंट होते हैं, मतलब कि जैसे बादल और कोहरा जो होता है, फॉग जो होता है, क्लाउड्स होते हैं, वो दूर से देखने में लगता है कि कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट या कोई सॉलिड नहीं होगा, लेकिन कुछ है वहाँ पर, लेकिन जैसे ही हम लोग एंट्री मारते हैं वहाँ पर तो पता नहीं चलता कहाँ से इसकी स्टार्टिंग हुई है, वो बहुत फेंट होते हैं। बिल्कुल सेम चीज़ यहाँ पर नेबुला के साथ भी होती है, बहुत सब के सब बहुत फेंट होते हैं, दूर से काफ़ी सही दिखते हैं, ठीक है, आप मेरे ख्याल से समझ रहे होंगे, आप नहीं समझ रहे तो आगे इसका टाइप आएगा तब और अच्छे समझ में आएगा। अभी देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ नेबुला। अभी मैंने बताया था कि स्टार्स का फॉर्मेशन नेबुला के एक पार्ट से होता है, अब नेबुला का फॉर्मेशन कैसे होता है ये भी इम्पोर्टेंट है। तो नेबुला कुछ नहीं, इंटरस्टेलर गैसेज होती हैं, मैंने बताया नहीं गई, अच्छा अभी आगे आएगा, जो इंटरस्टेलर का मतलब अभी आप बताऊंगा आगे, चिंता मत कीजिएगा। जो जब स्टार्स बनते हैं ना, जब स्टार्स का एंड होता है, नेबुला का फॉर्मेशन कहाँ से होता है, स्टार के एंड से, जब स्टार की डेथ हो रही होती है उस टाइम नेबुला बनता है, ठीक है, तो यहाँ जो पार्टिकल्स वगैरह बिखर जाते हैं वहाँ से नेबुला बनता है, ठीक है। और नेबुला सबसे कोल्डेस्ट और डेंसेस्ट फॉर्म होता है, क्योंकि नेबुला के अंदर स्टार्स वगैरह बनते हैं, और स्टार बनते हैं तो पार्टिकल्स क्लोज आते हैं तो डेंसिटी बढ़ जाती है, वहाँ पर डेंसिटी बढ़ती है, और ठंडे इसलिए होती है क्योंकि कुछ पार्ट में ऐसे स्टार बन रहा है तो दो स्टार्स के बीच में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होती है, आप खुद ही आसमान में देखिएगा, दो स्टार्स के बीच में बहुत ही सैकड़ों लाइट ईयर्स की डिस्टेंस होती है दो स्टार्स के बीच में, हम लोग जो आसमान में देखते हैं तो कोई भी दूर स्टार्स हैं, तो अपने यूनिवर्स में लगभग चीज़ें तो स्पेस ही है, खाली है और कुछ भी नहीं है, बहुत ही कम अमाउंट है जहाँ पर चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, तो जहाँ पर कोई है नहीं, जहाँ रेडिएशन नहीं, जहाँ पर हीट नहीं है, वहाँ पर ठंडा तो रहेगा ही रहेगा, वही पर वही सब यहाँ पर लिखा हुआ है। दो तरह से नेबुला बनते हैं, तो गैसेस होती हैं उसके कलेक्शन से बनते हैं, और दूसरा क्या है कि स्टार जब फटता है तो वहाँ से नेबुला बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस, मतलब कि हाइड्रोजन गैस उसके आसपास होती है, वो चमकने लगती है, कैसे होती है आगे बताऊँगा। दो तरह से बेसिकली आप इस स्लाइड में इतना समझिए कि दो तरीके से बनते हैं नेबुला, एक तरीका होता है गैसेस के कलेक्शन से, दूसरा तरीका होता है स्टार की डेथ से। ये दोनों तरीके आगे अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ मैं। ये चार यहाँ पर मैंने फ़ोटो लगा रखी है, चार अलग अलग नेबुला की फ़ोटो है, यहाँ पर नाम भी लिखे हुए हैं, आप पढ़ सकते हैं इसमें। यहाँ पर मैंने डिफरेंस के लिए लिखे हुआ है, जी लास्ट में देखिए एक ये बार आया है यहाँ पर, ये स्टिलर का मतलब होता है स्टार, ठीक है, स्टार से रिफर है और कुछ नहीं है, बस एक नया या एक दूसरी लैंग्वेज में पहले स्टार को स्टेलर कहते थे, ऐसा हो सकता है, तो बस स्टार ही है स्टेलर और कुछ नहीं है। इंटर का इंटर वहाँ आता है जहाँ पर दो चीज़ों के बीच की बात की जाती है, जैसे इंटर हाउस होता है, इंटर स्कूल कंपटीशन होता है दो स्कूल्स के बीच में, इंटर स्टेलर यानी कि दो स्टार्स के बीच की डिस्टेंस, उसका गैप जो होता है, उसके बीच का जो स्पेस होता है उसे इंटर स्टेलर कहते हैं, ठीक है, मेरे ख्याल से समझ गया हूँ। अब स्टार फॉर्मिंग रीजन, वो कौन सी जगह होती हैं जहाँ स्टार्स बनते हैं, आपको टेक्स्ट पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, मन हो तो पढ़ लीजिए, नहीं तो मैंने समझा रखा है अच्छे से। तो कुछ पार्ट होते हैं, जैसे कि मैंने बताया था ये था पार्ट, ये पिलर्स ऑफ क्रिएशन, यहाँ पर ईगल नेबुला का ये पार्ट है जहाँ पर स्टार्स बनते हैं, वैसे ही यहाँ पर है कि स्टार्स कैसे बनते हैं, जब पास आती है सारे ऑब्जेक्ट्स वहाँ से रेडिएशन इमिट होता है, द मास ऑफ दिस नेबुला
कोलैप्सेस इन इट्स ओन वेट, क्योंकि जो मास होता है वो अंदर को खींच रहा होता है ग्रेविटी की वजह से, इसीलिए यहाँ पर कोलैप्स वर्ड यूज़ किया गया है। और उसके रिटर्न में क्या होता है, स्टार्स बनते हैं तो बहुत सारा रेडिएशन इमिट होता है। मैंने यहाँ पर लिया एग्जाम्पल कि यूवी रेस इमिट हो रही है। यूवी रेस क्या करती हैं कि जो हाइड्रोजन गैस है, मेनली हाइड्रोजन ही होती है, यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा अबंडेंट गैस हाइड्रोजन है, ठीक है, सबसे सिंपलेस्ट भी यही होती है, इसीलिए तो हाइड्रोजन गैस आयोनाइज हो जाती है। आयोनाइज होने से क्या होता है, लाइट इमिट करती है। तो यूवी रेस पड़ी हाइड्रोजन में, लाइट इमिट करी उसने, लाइट इमिट करने की वजह से नेबुला के ऊपर कलर आता है। नेबुला में डस्ट पार्टिकल्स और न्यूट्रल गैसेस के एटम्स से कोई कलर नहीं इमिट नहीं होता जब तक वो एक्साइट नहीं होते, जब तक वो आयोनाइज नहीं होते। ये रेडिएशन से गैस आयोनाइज होती है जिससे नेबुला विजिबल होता है, दिखता है कि कोई कलर चमक रहा है नेबुला में। कुछ स्टार फॉर्मिंग नेबुला के एग्जांपल है ओरियन नेबुला, ये एक फोटो है, ये ओरियन की शेप की है, ठीक है, कलर भी है क्योंकि यहाँ पर रेडिएशन इमिट हो रहे हैं। रोजेट नेबुला, ये रोज़ के शेप का है, रोज़ के कलर का है। ओमेगा नेबुला, इसमें कई सारे नेबुला में ऐसा होता है कि शेप देख के, कलर देख के आप उसका नाम पता कर सकते हो, जैसे कि आंट नेबुला है, एक बटरफ्लाई नेबुला है, क्योंकि शेप से आप रिजेंबल करते हैं, देखते ही पता लग जाएगा कि अच्छा ये तो यही है, तो नाम याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो स्टार फॉर्मिंग जो, लेकिन जो क्या होता है कि अभी आगे पता चलेगा, जो सुपरनोवा रिएक्शन होती है ना, सुपरनोवा एक्सप्लोजन होता है, उससे नेबुला को काफ़ी डैमेज भी होता है, क्योंकि नेबुला के अंदर ये स्टार बनते हैं, स्टार को स्टार फिर जब फटते हैं तो उस नेबुला को काफ़ी डैमेज होता है। लेकिन उस फटने के बाद, सुपरनोवा के बाद एक और नेबुला बनता भी है जो स्टार के सुपरनोवा एक्सप्लोजन से बनता है, वो भी एक टाइप होता है, आगे मैं बताऊँगा। बहुत आसान है, एक एक दो लाइनों की बात है और कुछ भी नहीं है। और एक क्रैब नेबुला है, क्रैब नेबुला जो है वो इसी का एग्जांपल है कि सुपरनोवा एक्सप्लोजन हुआ था 1054 जब ईयर था तब सुपरनोवा एक्सप्लोजन हुआ था। ये सबसे नया समझ लीजिए आप, अभी 931 साल ही अप्रॉक्स हुए हैं, 900 कुछ साल हुए अभी इस नेबुला के बने हुई है क्रैब नेबुला। इसको बने हुए इतने कम साल हुए, बिलियंस ऑफ ईयर तक चलता है, तो इसका मतलब अभी बहुत ही नया नया अपने लिए नेबुला क्रैब नेबुला। ये जब कोई बड़ा स्टार सुपरनोवा से फटा था उसके बाद ये नेबुला बना था, क्रैब नेबुला। ठीक है, अब आगे चलते हैं, यहाँ पर देखते हैं सुपरनोवा से क्या होता है। मैंने बताया था कि बर्थ और डेथ दोनों हो सकती है नेबुला की, हो सकती रही है, होती है दोनों। जब सुपरनोवा होता है तो काफ़ी डैमेज होता है नेबुला को, ठीक है, और सुपरनोवा के बाद नए नेबुला भी बनते हैं, जैसे कि क्रैब नेबुला बन गया सुपरनोवा के बाद, तो बर्थ भी है डेथ भी है नेबुला की। अब देखते हैं प्लैनेटरी नेबुला क्या होता है, सुपरनोवा नेबुला। अच्छा, प्लैनेटरी नेबुला में आते हैं, प्लैनेटरी नेबुला छोटे से स्टार्स होते हैं, ऐसे सन हो गया अपना, ये बनाते हैं नेबुला, क्योंकि जितने भी स्टार्स हैं छोटे हों या बड़े हों नेबुला तो बनाएंगे, ये प्लैनेटरी नेबुला है, ठीक है। और कोई भी स्टार हो वो नेबुला बनाएगा, ये बनाएगा, और जब वो अपनी लाइफ की एंड स्टेज में होगा, मरने वाला होगा, तभी बनाता है, मरने के बाद, फटने के बाद, तो एंड फेज अब होगा सन का, तो क्या होगा, पहले एक्सपैंड होगा, रेड ड्वार्फ बनेगा। रेड ड्वार्फ बनने के बाद जब उसकी हीलियम ख़त्म हो जाएगी अंदर की, तो उसका जो कोर होगा वो कोलैप्स कर जाएगा, कोलैप्स कर जाएगा, तो कोर इतना छोटा हो जाता है कि वाइट ड्वार्फ बन जाता है कोर उसका, उसका कोर का साइज़ ये समझ लीजिए कि अपने इंडिया के बराबर साइज रहेगा, इतना छोटा कोर हो जाता है, और मास बहुत ज़्यादा होता है, तो मास तो होता नहीं है, कोर छोटा हो गया है, तो डेंसिटी काफ़ी होती है उस वाइट ड्वार्फ की। और ये वाइट ड्वार्फ जो होता है, ये क्योंकि अब रेडिएशन ख़त्म हो चुका है, हाइड्रोजन खत्म हो गया, हीलियम खत्म हो गया, तो ठंडा पड़ने लगता है, बिलियंस ऑफ ईयर्स तक ये वाइट ड्वार्फ बना रहता है, और इसी फेज को हम लोग प्लैनेटरी नेबुला कहते हैं। बिलियंस ऑफ ईयर जो वाइट ड्वार्फ बना रहा है ना, इसी फेज को प्लैनेटरी नेबुला कहते हैं हम लोग। और इसके बारे में थोड़ा सा और आगे आएगा अभी, प्लैनेटरी नेबुला के बारे में जो प्रस्थान है वो भी एक प्लैनेटरी नेबुला बना के जाएगा। प्लैनेटरी नेबुला जो कोर होता है वो एक वाइट ड्वार्फ ही होता है, क्योंकि वही सन है या छोटे स्टार्स हैं उन्हीं के एंड से बना है, तो उनके एंड में वाइट ड्वार्फ ही बनता है। वाइट ड्वार्फ जब ठंडा हो जाता है बिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद, जब प्लैनेटरी नेबुला ख़त्म हो जाता है बिलियन ऑफ ईयर्स के बाद, तो वो काला पड़ जाता है पूरा, बिल्कुल ब्लैक हो जाता है, ब्लैक कोल समझिए, थिक कोल हो जाता है वो उस समय उसको डार्क ब्लैक ड्वार्फ कहते हैं उसे, सॉरी उस समय उसको ब्लैक ड्वार्फ कहते हैं, ठीक है। फोटोज अलग की मैंने, ये ओइस्टर नेबुला है,
ये चंद्रा कायट साई नेबुला है, ये सब के सब प्लानिटरी नेबुला के एग्जाम्पल है, ये रिंग नेबुला है, ये कायट साई नेबुला है। ध्यान दीजिए दोनों अलग अलग हैं, सेम नहीं है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, अब टाइप्स देख लेते हैं नेबुला के, ठीक है। क्लासिकल तरीके से जो टेलीस्कोप नहीं थे तब लोगों ने तीन तरीके से डिवाइड किया था, एक तो डिफ्यूज नेबुला, एक प्लैनेटरी नेबुला और एक सुपरनोवा रेमिनेंट। रेमिनेंट का मतलब होता है कि कुछ बचे कुछ चीज़ें, जब फटा हुआ कोई स्टार वगैरह तो कुछ बची हुई चीज़ें होती हैं, कुछ गैस बच गई और बहुत बाहर थी, पार्टिकल्स फटे, उसी से नेबुला बन जाता है, क्रैब नेबुला ऐसे उसका एग्जाम्पल है। मैंने फोटो चल रखी है, ये एक इतना सा है, ये इसको कहते हैं हॉट सेट नेबुला है, ठीक है। ये डिफ्यूज नेबुला का एक पार्ट होता है डार्क नेबुला, उसका एग्जाम्पल है हॉट सेट नेबुला। अभी ज़्यादा आपको कन्फ्यूजन लग रहा होगा तो कोई बात नहीं है, अभी एक एक लाइन की चीज़ें अगली स्लाइड में आने वाली हैं, ठीक है। ये है, इसको जूम करके यहाँ दिखाया है, ये है हॉट सेट नेबुला। डार्क क्यों? क्योंकि इसकी खुद का कोई कलर नहीं है, ये पीछे से आने वाली रेड लाइट को पिंक लाइट को ब्लॉक कर रहा है, ठीक है, इसलिए दिखाई पड़ रहा है, इसलिए डार्क कलर का डार्क नेबुला है। अब यहाँ पर दूसरा है कैट साई नेबुला, ठीक है, ये कैट साई नेबुला है, ये एक प्लानिटरी नेबुला का एग्जाम्पल है, ठीक है। और सुपरनोवा का एग्जाम्पल मैं पहले दे चुका हूँ, ये क्रैब नेबुला सुपरनोवा का एग्जाम्पल, ठीक है। तो कैट साई नेबुला प्लानिटरी नेबुला है, ये ड्रैकोस कॉन्स्टेलेशन में, ये जो लंबा दिख रहा है आपको, ये ड्रैगन की तरह, ये ड्रैकोस कॉन्स्टेलेशन, इसके बीच में ये है कैट साई नेबुला। यहाँ पर इसको जूम करके दिखाया मैंने, अपना उर्सा माइनर होता है सप्तऋषि, मेरे ख्याल से सभी ने देखा होगा, मैंने तो देखा है, सबसे आसानी से यही मिलता था, उसके बगल में ही होता है ट्रैक और कॉन्फिगरेशन। इसको ढूंढना कठिन होगा क्योंकि लंबा है यहाँ पर ही, उसके नॉर्दर्न साइड में, अगर आपको मिल जाता है कभी इस आसमान में देखने से, उसके नॉर्दर्न साइड में देखिएगा, जहाँ पर उसका इस तरह से शेप होगा, टर्न हो रहा होगा इतना, उसके बीच में ही यहाँ पर कैट साई नेबुला होता है, ठीक है। अब जो जितने भी क्लाउड्स होते हैं डस्ट के, अगर आपको कहीं दिख रहा है या टेलीस्कोप से देखा आपने, कहीं भी कोई इमेज देखी, ज़रूरी नहीं हो कि नेबुला हो, ठीक है। इसका एग्जांपल है हर्पिक हारो ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसमें कुछ डिबेट वगैरह है कि ये नेबुला हो भी सकता है, नहीं हो सकता है, क्योंकि स्पेस की इतनी जानकारी नहीं है अभी हम लोग को, लेकिन अभी के लिए इतना ही है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो कोई भी मतलब जगह जहाँ पर डस्ट है, क्लाउड है डस्ट का, उसको आप नेबुला ऐसे ही नहीं कर सकते, उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। अब डिफ्यूज नेबुला जो था यहाँ पर, ये डिफ्यूज नेबुला, इसको अच्छे से देखते हैं, इसके कुछ टाइप्स होते हैं, एक एक, एक लाइन के हैं। पहले दो टाइप्स हैं विजिबल और डार्क नेबुला। डार्क नेबुला यही है हॉट सेट नेबुला है, एक एग्जांपल दिया है मैंने डार्क नेबुला का, विजिबल नेबुला और डार्क नेबुला। अब विजिबल के दो एग्जांपल होते हैं इमेजन या रिफ्लेक्शन, थोड़ा कन्फ्यूजन लग रहा होगा लेकिन मैं बताता हूँ। आप खुद सोचो कॉमन सेंस वाली बात है, कोई चीज़ विजिबल कब होगी? जब वो अपने अंदर से लाइट इमिट करे तब विजिबल होगी, यानी कि इमेजन हो रहा है, या तो दूसरे पे दूसरे की लाइट जब पड़ती है ऑब्जेक्ट्स पे तब हम लोग को ऑब्जेक्ट्स दिखाई देते हैं, यानी कि रिफ्लेक्शन हो रहा है। दो चीज़ें हो सकती हैं जिससे कोई चीज़ विजिबल हो सकती है, बस इमेजन नेबुला, यानी कि कोई ऐसा नेबुला जिसके अंदर से लाइट इमिट हो रही हो, उसको किसी एक्सटर्नल सोर्स की ज़रूरत ना हो अपने आप को विजिबल दिखाने के लिए। अब नेबुला के अंदर स्टार्स हो सकते हैं, सुपरनोवा हो रहा हो, कोई कुछ और हो रहा हो, कोई ग्लोइंग ऑब्जेक्ट हो, क्लस्टर हो सकता है, तो उससे लाइट इमिट होती है। वो लाइट जो होती है, लाइट नहीं कहूँगा, रेडिएशन होता है, वो आसपास की गैसेस को जो होते हैं, गैस होती है उसको आयोनाइज करता है, मैंने पहले ही बताया था, उससे चमकने लगता है, सब कुछ चमकने लगता है। ये एक्स्ट्रा इसको आप ना यहीं पढ़िएगा क्योंकि केमिस्ट्री का है, थोड़ा सा लिख दिया था मैंने, मैं जो बोल रहा हूँ उसको सुनिए। जो आयोनाइज होती है गैस, उससे रिफ्लेक्शन होता है, सॉरी उससे रेडिएशन निकलता है, रेडिएशन विजिबल लाइट में जब पड़ता है, विजिबल जब होता है, वहाँ से चमक आती है, उससे कहते हैं इमेजन नेबुला। एक होता है रिफ्लेक्शन नेबुला। अब कोई अगर नेबुला इमेजन नेबुला के अगल बगल है, एक जस्ट एन एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो इमेजन नेबुला की लाइट उस पर पड़ रही है तो वो नेबुला चमक रहा है, इसका मतलब जो दूसरा वाला नेबुला है वो रिफ्लेक्शन नेबुला है। अब वो चमक रहा है तो जरूरी नहीं नेबुला ही हो, क्या होता है उसके बगल अगल बगल में कोई कॉन्स्टेलेशन हो, स्टार्स और क्लस्टर हो सकता है जिससे लाइट पड़ रही हो, चमक रहा हो, अब वो रिफ्लेक्शन नेबुला होता है। और यहाँ पर नेबुला और नेबुले में क्या अंतर है, मैं बताना भूल गया। नेबुले बस कुछ नहीं है, उसका प्लूरल फॉर्म है, प्लूरल फॉर्म है नेबुला का, ठीक है। तो मैं नेबुला ही बोल देता हूँ, ज़्यादा सही लगता है। अब आता है डार्क नेबुला। डार्क नेबुला, डार्क नेबुला क्या करता है, पीछे से आने वाली लाइट को ब्लॉक कर देता है। बहुत थिक होता है मास होता है क्लाउड का, वहाँ पर बहुत डेंस होती है गैसेस,
डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, जैसे लाइट टकराते टकराते वापस निकल जाती है लेकिन पार नहीं कर पाती लाइट, ठीक है। तो लाइट पार नहीं कर पाएगी, इसका मतलब वहाँ पर कुछ हमें दिखेगा कि कुछ डार्क कलर का, जैसे कि सोलर इक्लिप्स होता है, सूर्य ग्रहण। तो चाँद अगर सन के सामने आता है, सन की लाइट को जितना ब्लॉक करता जाता है उतना ही हमें डार्क काला कलर का पोर्शन बढ़ता हुआ दिखता है। होता है ऐसा कि नहीं होता है, वही सेम कहानी यहाँ पर भी है। सोलर इक्लिप्स जैसा होता है वैसे डार्क नेबुला में भी है, बस घूमता नहीं है, बस ये है कि स्टैटिक रहता है, उस पीछे जो लाइट आ रही है उसके रेस्पेक्ट में रुका रहता है। और जैसे ये फोटो रखे आई बताएं, ये फोटो है, पीछे जो लाइट आ रही है उस लाइट को इसने ब्लॉक कर रखा है, तभी तो ये दिखाई पड़ रहा है इसका खुद का, कोई कलर थोड़ी ना है। निकाल से आप समझ गए होंगे डार्क नेबुला क्या है। तो एक कमाल की बात है, जो छोटे स्टार्स होते हैं जैसे अपने सन वगैरह होते हैं, इनकी लाइफ स्पैन बहुत होती है, और जो बड़े स्टार्स होते हैं उनकी लाइफ स्पैन बहुत छोटी होती है। ये एक समझ लीजिए कि एक फैक्ट है, ऐसा होता है। और ये मैंने फ़ोटो चल रखी है कुछ डिफ्यूज नेबुला की है। डिफ्यूज नेबुला क्यों कहते हैं, क्योंकि डिफ्यूज है, बिल्कुल बिखरा हुआ है, कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं समझ नहीं आ रहा, कोई शेप समझ नहीं आ रहा है। ये सारे तीनों एग्जांपल हैं डिफ्यूज नेबुला के, ये तीनों एग्जांपल हैं डिफ्यूज नेबुला के, कुछ शेप साइज समझ नहीं आ रहा, डिफ्यूज है, बिखरा हुआ। और अधिकतर नेबुला जो होते हैं वो डिफ्यूज नेबुला ही होते हैं, कुछ ही नेबुला ऐसे मिलते हैं जिनका एक फिक्स शेप और साइज होता है, ठीक है। अब आते हैं प्लैनेटरी नेबुला क्या होता है। तो प्लैनेटरी नेबुला मैंने थोड़ा सा पहले बताया था, लेकिन थोड़ा सा और देखते हैं। अभी यहाँ तक मैं बता चुका था, अब ये देखते हैं कि प्लैनेटरी नेबुला का नाम कहाँ से है। अभी देखिए यहाँ पर बताया था मैंने प्लैनेटरी नेबुला, ये रहा, अभी आने वाला है, ये रहा प्लैनेटरी नेबुला। तो वही यार कुछ नहीं है, बस कुछ दो चार टॉपिक्स और हैं उसको मैं अभी देख लेता हूँ। ये है आजा, ये है तो प्लैनेटरी नाम कैसे पड़ा इसको देखते हैं पहले। ये नेबुला है, इसका कोई भी रिलेशन नहीं है प्लैनेट से, लेकिन जब पुराने जो एस्ट्रोनॉमर्स थे, टेलीस्कोप नहीं थे उनके पास, उन्होंने जब देखा तो उन्होंने क्या देखा कि कोई ऑब्जेक्ट है प्लैनेट के शेप का है, गोल है, और उनको पता नहीं था कि क्या चीज़ है, तो उन्होंने नेबुला नाम जोड़ दिया उसके आगे। तो तब से उसका नाम प्लैनेटरी नेबुला पड़ गया। और ये प्लैनेटरी नेबुला क्या होता है, मतलब कि आज हम लोग को पता है कि जो छोटे स्टार्स होते हैं वो जब फटते हैं तब वो जो नेबुला बनाते हैं वो प्लैनेटरी नेबुला था होता है, ठीक है। तो उस समय जब नाम रखा गया था तो जिस चीज़ का नाम सबसे पहले रखा गया था वो चीज़ बाय चांस छोटे स्टार के फटने से बनी थी। तो उसी वजह से आज तक हम लोग उस प्रोसेस को या उस नेबुला को प्लैनेटरी नेबुला कहते हैं, क्योंकि उसका कोई भी मतलब नहीं है प्लैनेट से, ठीक है। मेरे ख्याल समझ गए नाम का क्या कहानी है। एक प्रोटो प्लैनेटरी नेबुला भी होता है, कुछ नहीं है, नाम खतरनाक लग रहा है। जब स्टार ख़त्म होता है और उसके बाद जब प्लैनेटरी नेबुला बनता है, उसके बीच का जो टाइम पीरियड होता है, पूरा बनने का टाइम जो होता है, उसको हम लोग कहते हैं प्रोटो प्लैनेटरी नेबुला। तो यहाँ पर ये स्टेलर एवोल्यूशन नाम आया है, शायद आपको समझ ना आ रहा हो। स्टेलर यानी कि सन, इवोल्यूशन मतलब कि बढ़ना किसी चीज़ का, इवॉल्व होना। सन जैसे ऐसे इवॉल्व होता है जन्म से लेकर एंड तक, उसे उस पूरे टाइम पीरियड को, उस पूरे फेज को, जन्म से लेकर एंड तक, सन का कोई भी स्टार मतलब कि उसको स्टेलर इवोल्यूशन पीरियड कहते हैं, फेज कहते हैं, ठीक है। मेरे ख्याल समझ गए होंगे। अभी आखिरी टॉपिक है मेरे ख्याल से सुपरनोवा रेमिनेंट। मैं जैसे बताया था कि सुपरनोवा से जो रिएक्शन होती है, जब सुपरनोवा मतलब कि जो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होती है, हाइड्रोजन कंबाइन करके हीलियम बनता है, हीलियम लिथियम बनता है, लिथियम बैरिटियम बनता है, बढ़ते जाते हैं जब तक आयरन नहीं बन जाता है। अब न्यूक्लियर फ्यूजन क्या है, एलिमेंट्स के पीछे रिएक्शन? नहीं, बिल्कुल नहीं। न्यूक्लियर फ्यूजन न्यूक्लियस के बीच का रिएक्शन है, न्यूक्लियस न्यूक्लियस कंबाइन करके नया न्यूक्लियस बनाते हैं। तो आयरन का न्यूक्लियस सबसे ज़्यादा स्टेबल न्यूक्लियस होता है पूरे पीरियोडिक टेबल में। तो कोई भी रिएक्शन होती है न्यूक्लियर फ्यूजन वाली, किसी भी स्टार में हो रही है, कितना भी बड़ा क्यों ना हो, वो आयरन के न्यूक्लियस तक ही होती है, उसके बाद ख़त्म हो जाती है रिएक्शन। और छोटे स्टार से हम लोग का सन जैसा हो गया है, वहाँ पर तो हीलियम तक ही पहुँचता है, आगे नहीं पहुँच पाता, इतनी एनर्जी नहीं मिलती इसको। तो जब ये ख़त्म हो रहा होता है तो सुपरनोवा एक्सप्लोजन होता है, बाहर वाली शेल्स होती हैं और वो बाहर को फटती हैं, ठीक है, जैसे क्रैब नेबुला एक एग्जाम्पल हो गया। और अंदर का जो कोर होता है वो सिमट जाता है, कोलैप्स कर जाता है, और एक बनता है न्यूट्रॉन स्टार। नाम सुना होगा आपने, अगर आपने
इन्फिनिटी वॉर देखी है, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, तो वहाँ पर न्यूट्रॉन स्टार था। वो तो बस एक मूवी है, यहाँ पर क्या है कि न्यूट्रॉन स्टार छोटा सा ही होता है। वहाँ उस मूवी में न्यूट्रॉन स्टार छोटा दिखाया गया, तो छोटा ही होता है वो, क्योंकि कोलैप्स किया होता है जो स्टार का कोर होता है, कोलैप्स करके ही बनता है न्यूट्रॉन स्टार। उसके आसपास जो गैसेस बचती हैं, आउटर गैसेस, आउटर लेयर्स, उसमें रेडिएशन फैलता है, तो वो चमकने लगती है, जैसे कि चमक रही है गैसेस, यहाँ पर पार्टिकल्स जो हैं चमकने लगते हैं। और यहाँ पर एक और एग्जांपल है वी नेबुला, और एक और एग्जांपल है साइमीज 147 नेबुला, तीनों एग्जांपल हैं सुपर नोवा रेमिनेंट्स के। तो इस वीडियो के लिए इतना ही था, अगर आपको कोई और क्वेश्चन हो तो 4-5 क्वेश्चन एक बार में पकड़ लूँगा और एक ही वीडियो में उसका सॉल्यूशन दे दूँगा। और अगर कोई टॉपिक की वीडियो आप चाहते हैं एक वीडियो बनाऊँ, तो आप उस टॉपिक को कमेंट कर दीजिए और उस टॉपिक में मैं वीडियो बना दूँगा, इस प्ले लिस्ट में ऐड कर दूँगा। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।